नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि हमारी दिमागी हालत जो है वो खराब दिन पर दिन होते जा रहा है और कोई भी काम में मन नहीं लगता है। दोस्तों अगर आप लोग को ऐसा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सब बीमारी जो है वो ज्यादा गर्मी से होती है, यानी पेट में गैस बनने के कारण। तो अगर आप लोग को ऐसी बीमारी है तो सुबह के समय में पढ़ने वाले बच्चों को कभी कभी मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो अगर आप लोगों को ऐसी बीमारी है तो सुबह के समय में सेब खाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक सेब सुबह के समय में अगर खाते हैं या एक टुका भी सुबह खाते हैं, उसके बाद में अगर खाना खाते हैं, तो आपकी कोई प्रकार की बीमारी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। कपार दर्द, माथा दर्द, पेट की जलन, सीना की दर्द और खून जो है वो नया बनेगा। जो लोग सेब नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को दिमागी जो कमजोरी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोगों को दिमागी कमजोरी है, पेट में गैस बनता है, कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप के पास में काम करते हैं, या कोई भी दिमागदार जो दिमागी वाला काम करते हैं, ठेकेदार हैं या कुछ भी हैं, आप लोग मैनेजर हैं, अगर दिमागी कमजोरी है, कभी कभी कपार चक्कर देने लगता है, तो आपको सेब जो है वो खूब खाना चाहिए। एक सुबह में सेब खाइए, बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। लेकिन उसमें दो तीन प्रकार की सेब है, जो अच्छा वाला सेब है वो आप लोग खाइएगा। ऐसे करेंगे तो आपको सब बीमारी जो है शरीर से मिट जाएगी और आपके स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और कोई प्रकार के अकड़ चक्कर देने वाला कपार होगा वो बिल्कुल मिट जाएगा। ये सब जो है वो पेट के गर्मी के और गैस के कारण होता है। और ठंडा सामान खूब खाइएगा गर्मियों के मौसम में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहे वहां मस्त रहें।